हाँ जी बेटा, आज हमने एग्जाम्पल्स करने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके मिसलेनियस के। अगर एग्जाम्पल्स देखूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एग्जाम्पल है ऑल आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इजी, उसको हम इजीली कर चुके हैं। आज मैं एग्जाम्पल 40 जो बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल है फ्रॉम द प्रीवियस वन, है ना, जो हमने बिल्कुल नहीं किया, मैं वही एग्जाम्पल सिर्फ करवाने लगी। पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, सब्स्टिट्यूशन वाला है, वो हम कर चुके हैं। अब ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि क्या क्या हो सकता है। टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा इंटेग्रल और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स वी आर डूइंग, ओके। फॉर दैट बेटा एग्जाम्पल 40 ऑन पेज मेरे पास जो है 349, ओके, दैट वी आर डूइंग। एग्जाम्पल 40 में मेरे पास जो है इंटेग्रल, मेरे पास लॉग लॉग एक्स प्लस 1 ओवर लॉग एक्स स्क्वायर जो है दैट इज डीएक्स, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आगे आपको कहा था जब दो टर्म्स होती है ना बेटा, तो दो टर्म्स में हम क्या कहते हैं कि आप देखो कोई फंक्शन या कुछ डेरिवेटिव या कुछ तो नहीं बन रहा, वो तब देखते थे जब बाहर ई पावर एक्स हो, तभी देखते थे। अब यहाँ ई पावर एक्स नहीं है, अकेला लॉग है, लॉग वाला ही फंक्शन है ना, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इस इंटेग्रल को पहले तो सेपरेट कर लूंगी। जब मैंने सेपरेट किया इंटेग्रल लॉग लॉग एक्स डीएक्स प्लस इंटेग्रल 1 ओवर जो है लॉग एक्स का स्क्वायर डीएक्स, ऐसे क्यों? अब प्रॉब्लम मैंने क्या देख रहा है, अकेला लॉग आए तो मैंने आपको कहा था इनटू वन करके, अकेला लॉग आए मैंने आपको कहा था हम अकेले लॉग एक्स का इंटेग्रल सीधा कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं इसको इनटू वन कर लेते हैं। आई लेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड हो गया, ऐसे ही होगा ना। तो मैं यहां पर भी ऐसे ही करती हूँ इनटू वन कर, ओके, मैंने बाय पार्ट्स लगाया, मैं इसको कुछ नहीं करूंगी, इसको कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसको ही देखूंगी। जब मैंने इनटू वन किया अब मेरे पास क्या बन गया, देखिए व्हाट आई विल गेट हियर। फर्स्ट फंक्शन जो है ये आइलेट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है, क्योंकि एल इज लॉगरिथमिक ए इज अलजेब्रिक। अब बेटा देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड, एक्स का वन का इंटेग्रल एक्स होता है ना, आई एम राइटिंग हियर एक्स, ओके, मेरे पास माइनस इंटेग्रल, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लगाया क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, x नहीं है log x है, और साथ में log x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 बाय x, ठीक है, इंटू एक्स डी एक्स, ऐसे ही हो ना, एक्स एक्स कैंसिल। अच्छा ये जो है इसको साथ में ऐसे ही लिख देते, कर दिया बेटा, ओके। अब क्या करेंगे, मेरे पास हो गए एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस, अब क्या बचा मेरे पास 1 बाय लॉग एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फिर इसको ले लो, क्योंकि इसको मत छेड़ो, इसको फिर इंटू वन करके क्या करो बाय पार्ट्स लो, क्योंकि अकेला लॉग है ना, जब आप इंटू वन करोगे ना वो टर्म ऐसी एक बन जाएगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब मैं करने लगी हूँ दोबारा, ये ऊपर रब कर दू, ठीक है बेटा, मेरे पास अब क्या बचा स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर, व्हाट आई विल गेट हियर एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस इंटेग्रल लॉग एक्स की पावर माइनस वन इंटू वन डी एक्स, ओके, ये जो टर्म है मेरे पास इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब बेटा देखिए
अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, रब कर दीजिए। अब बेटा ये एज इट इज माइनस, अब फिर इनटू वन अगर मैंने किया, आई लेट के हिसाब से ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो करो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, चेन रूल लगी, इनटू मेरे पास वन का इंटेग्रल दिस, ये ब्रैकेट क्लोज कर, और प्लस इंटेग्रल वन ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर डीएक्स। ठीक है बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, मेक इट पॉजिटिव, ब्रैकेट खोल रहे आप, तो मेरे पास ये एक्स लॉग लॉग एक्स एज इट इज माइनस, इसको लिख सकती हूँ वन ओवर एक्स, और ये एक्स ऊपर एज इट इज माइनस इंटेग्रल वन ओवर लॉग एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस वन ओवर लॉग एक्स स्क्वायर डीएक्स। सारा इंटेग्रल सॉल्व हो गया, मतलब कई बार बाय पार्ट्स दो दो बार लगते हैं, और अपने आप जो एक्स्ट्रा टर्म होती है ना वो कट जाता है। हमने इतनी बार क्वेश्चन करे, हमें देख के ही पता लग रहा है, और वैसे भी आपको कितनी बार बताया कि लॉग एक्स अकेला आता है ना तो इंटू वन करके, ठीक है। एक ये आदत बनाओ, जब मैं करवा रही हूँ उसको खुद लिख के देखो, जब आप करते हो ना बेटा हाथ से निकलता है तो तुम्हें पता चलता है कौन सा स्टेप कहाँ अटक रहा है, कहां से प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें कहां समझ नहीं आ रही। ब्लैकबोर्ड पे देखने से, मेरी बात पता करने से आपको ये इंटीग्रेशन समझ आती है, तुम्हें पता चल गया मैम ने दो बार बाय पार्ट्स लगाए, बट लगा कैसे, प्लस माइनस साइन कैसे एडजस्ट हुआ, चेन रूल लगाया डेरिवेटिव का, वाकई वो ऐसे ही आपका भी आ रहा है, तो वो जब तक आप करोगे नहीं ना प्रॉब्लम ही आएगी। ओके चलो आगे, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में यहाँ इनडेफिनेट इंटेग्रल का है, मतलब बिना लिमिट्स के, लेकिन एग्जाम में विद लिमिट्स भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके कैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस सी पहले एग्जाम्पल 41 बेटा, इंटेग्रल अंडर रूट कॉट एक्स मेरे पास प्लस अंडर रूट कॉट एक्स और टेन एक्स और डी एक्स। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना वहां यहाँ लिमिट थी 0 to π/4। ओके मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है, मतलब जब भी कॉट टेन आए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल भी ऐसे कर लूं, ये ले ठीक है, मैं एलसीएम भी ले लूं, मेरा कुछ नहीं बन रहा है, मेरे पास कोई सब कुछ टेन 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 में ये चीजें बन रही है ना, तो मेरे दिमाग में यही आता है किसी तरह ये खत्म हो जाए ना अंडर रूट का काम, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब भी ऐसे कॉट टेन अकेले अकेले आई तो मेरे माइंड में क्या है, क्योंकि मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूंगी ना, तो डिनोमिनेटर में वो साइन कॉस रहेगा, और मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसे ए प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे वाली टर्म हो तो आप टेन एक्स को टी पुट करो, साइन और कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला पुट करो, मैंने ये नोट लिखवाया था। और अगर स्क्वायर हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर कॉस स्क्वायर को क्या करो, जो है टेन स्क्वायर को टी पुट करो, हमने ये फॉर्मूला किया हुआ। तो अब यहां पर भी ऐसे ही, क्योंकि साइन कॉस की सिंगल पावर कोई स्क्वायर नहीं आ रही है, तो मेरे माइंड में यही आया कि मैं टेन अंडर रूट एक्स को टी पुट कर लू तो टेन एक्स टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स टू टी डी टी हो गया। अब प्रॉब्लम ये है, सिकेंड स्क्वायर है यहाँ कहीं, कहीं नहीं है, सिकेंड स्क्वायर को मैं वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकती हूँ बेटा,
ओके अब टेन को, टेन चलो टेन को मैं क्या लिख दू टी स्क्वायर, जब मैं पुट करूंगी टी पावर फोर तो ये डीएक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी वन प्लस टी की पावर फोर, ये बन गया बना। अब मैं देखू यहां पुट करके मेरा क्या बनता है, जब मैंने पुट किया तो आई मेरे पास व्हाट आई विल गेट हियर वन प्लस टेन एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर नीचे रूट की टी और मेरे पास डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी ओवर मेरे पास हुए वन प्लस टी पावर फोर। ओके अब यहां पर एक नई चीज बताने लगी, जब सारी इवन इवन पावर्स होती है ठीक है, यहां पर एक नया रूल लगेगा कि जब ऊपर भी इवन पावर नीचे भी इवन पावर हो लेकिन प्लस हो या माइनस हो वो एडजस्ट हो जाता है, तो कैसे करते हैं? पहले यहां तक बात समझ आ गई, क्या किया सबको समय अंक पता चला, कार्तिक बेटा चलू आगे ठीक है, तो मेरे पास हो गए ये बन गया I will get here 1 plus t square over 1 plus t power 4 d। मैंने नहीं देखा कि बुक में कैसे किया है, माइट भी उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ कॉमन लिया या कुछ किया है ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कॉमन लेके नहीं की, मेरे माइंड में जो रूल था मैंने वही अप्लाई किया और सीधा मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। अब जो मैं ऐसी वैल्यूज को कैसे सॉल्व कर, मतलब ये कैसी टाइप है मैं आपको बताने लगी हूं कि जिसमें इवन पावर्स ऊपर भी इवन नीचे भी इवन, तो इसमें पहला स्टेप होता है टी स्क्वायर से, मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर से, टी है तो टी स्क्वायर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर, उसका फायदा क्या होगा ये रिड्यूस हो जाएगा। जब मैंने डिवाइड किया तो वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब हमने क्या करना होता है, यहां सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी होती है, उल्टा हम लेते हैं कि अगर मेरे पास जो है रूल में प्लस है ऊपर तो हम माइनस को सब्स्टिट्यूशन करते हैं, माइनस है तो वो प्लस को, क्यों करते हैं, हम पहले भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं नहीं तो हमने याद किया हुआ, हम उल्टा साइन लेते हैं। अब मैं यहां पर क्या कर सकती हूँ, मैं प्लस टू और माइनस टू ऐसे करूं, कर सकती हूँ, इसका बेनिफिट क्या होगा मेरे पास क्या बनेगा, देखिए वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर माइनस टू डी। मैं इधर माइनस टू भी ले सकती थी, क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मैंने माइनस क्यों नहीं ले, ऊपर प्लस है तो मैंने यहां पर जो है एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि मेरा वो अपने आप बने। अब देखो मैंने आपको कहा कि यहां पर आप प्लस कर दो, अगर मैं प्लस इधर ले लेती हूँ, मैंने आपको पहले बोला था ना उल्टा साइन लेना, लेकिन अगर मैं प्लस ले लेती हूँ, मैंने आपको करके दिखाया, मैं वन प्लस वन बाय टी को कुछ और मान लीजिए, मैंने जेड पुट किया, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया वन, इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर यहां बना, नहीं बना ना, इसीलिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला इधर एडजस्ट करना है, अगर ऊपर माइनस है तो प्लस वाला पहले एडजस्ट करना है, अब ऊपर प्लस था तो मुझे माइनस वाला इधर एडजस्ट प्लस वाला इधर एडजस्ट, ये और ये बन जाएगा। अब देखो किसका डेरिवेटिव लूंगी ना, जब मैंने डेरिवेटिव लिया अपने आप ऊपर एडजस्ट हो गया, ये बेनिफिट हुआ, कहां से चेक करना है ऊपर से, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस वाला पहले एडजस्ट करना और माइनस वाला ही पुट करोगे, क्यों, क्योंकि अपने आप ऊपर ये चीज बन जाए एडजस्ट हो जाए। ये कैसे एडजस्ट हुआ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, जब मैं करूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी, ये तो कट ही जाना है ना, फॉर्मूला यही लगाते हैं ना, तो ये माइनस टू ही बचेगा ना, तो इसीलिए मुझे माइनस टू और प्लस टू मैंने एडजस्ट कर दिया ताकि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बन जाए और मैं ए माइनस बी का होल स्केयर बन, पता चला। अब अपने आप देखना मेरी, अब देखो इसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन हुई, पहले क्या हुई एक्स से टी में, ठीक है, अब टी से मैं किसमें कर रही हूं, कोई और वेरिएबल में, अब मैं करूंगी तो मेरे पास जो है टी माइनस वन बाय टी को मैंने जेड लिया, वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी जेड आ गया। ये देखो सारा का सारा एडजस्टमेंट हो गई, ये मेरे पास बन गया डी जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस टू। अब ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स का। अब फॉर्मूले नहीं आते तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे लिए, तो यहां पर क्या करेंगे, अब टू का स्क्वायर नहीं कर सकते, रूट टू का स्क्वायर, ठीक है ना, टू था ना, टू को लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, वन बाय ए टेन इनवर्स जेड बाय ए प्लस सी, बात समझ आई बेटे। अब जेड को पहले रिप्लेस करोगे टी माइनस वन बाय टी को, फिर रूट टी को हमने क्या किया, रूट टेन एक्स को क्या किया था टी, तो टी की जगह पे क्या लिख दोगे रूट टेन एक्स, समझ आई बेटा बात, क्लियर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, एनी फॉर्म जब इवन पावर्स वाली हो सबसे पहला काम है टी स्क्वायर से, मतलब जो भी वेरिएबल है उससे डिवाइड, डिवाइड करने के बाद ऊपर जो साइन है उससे उल्टे को दूसरा पुट कर दो, देखना आपका अपने आप क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है, क्लियर। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट, मेरे पास जो है क्वेश्चन, हाँ जी ये भी क्वेश्चन जो है एग्जांपल 42 इंपॉर्टेंट है, लेट अस डू दैट एग्जांपल 42 मेरे पास जो है। हाँ जी एग्जाम्पल 42, ये जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना इनमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है मेरे पास, इंटेग्रल साइन 2x cos 2x dx ओवर मेरे पास जो है अंडर रूट 9 माइनस cos 4 ये 2x, इतना तो हमें भी नजर आ रहा है कि हमने सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, क्या करें, मेरे दिमाग में क्या आया, अरे ये तो 3 का स्केयर बन रहा है ना, कहीं ना कहीं ये भी किसी का स्केयर बन जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या पता उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं कॉस स्केयर 2x को टी पुट करूं, अपने आप यहां पर टी स्केयर आ जाएगा। अब देखो अगर मैंने ये पुट कर रही हूं क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट होता है, करो जरा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे, क्योंकि कॉस स्केयर मतलब ऐसे ही हो गया ना, मेन फंक्शन एक्स स्केयर हो गया ना, पावर आगे एक पावर कम, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हम करें विद नेगेटिव साइन इनटू टू क्योंकि टू एक्स का डीएक्स, और ये क्या हो गया डीटी। अब क्या है मेरे पास, ये सारा कुछ है माइनस फोर एक्स का, ये मेरा क्या जाता है, उसको क्या ले जाऊं नीचे ले जाऊं ये छोड़ दो, तो ये डीएक्स यानी इस सारे की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज डीटी माइनस वन बाय फोर अंडर रूट जो गए मेरे पास नाइन स्केयर माइनस थ्री स्केयर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, रूट मेरे पास जो है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, हाँ जी
किसका होता है? हाँ साइन इनवर्स का नहीं होता, अंडर रूट वन माइनस एक्स की, एक्स की जगह ए की जगह पे वन होता है ना, आप बोलते हो ना अंडर रूट वन माइनस एक्स के, मैम साइन इनवर्स एक्स का होता है, तो वहां ए वन होता है, यहाँ क्या है थ्री है क्या नहीं है, तो बस साइन इनवर्स मेरे पास हो गया एक्स ओवर ए प्लस सी। समझ आई बेटा? फॉर्मूला हमें करने ही पड़ेंगे, वो हमें ही लर्न, मैं आपको क्लियर कर, मुझे पता है प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है फॉर्मूले लर्न करने में, प्लस टू में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। बेस्ट वे क्या है, रोज के 5 to 6 फॉर्मूले लर्न करो। आज जाके सोचो कि मैंने बेसिक फॉर्मूले लर्न करने हैं, 10 questions 10 फॉर्मूले पढ़ लो जो पहले पेज पे दी, जब उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या करो, शाम को पढ़ा एक बार रात को कर लो, 10 में से 5 तो लर्न होंगे ही ना बेटा, सुबह उठते एक बार फिर पढ़ लो, अब 7 लर्न हो जाएंगे, अगले दिन उनको तो करना ही करना है, रोज के रोज 4 4 4 4 ऐड करते रहो, 3 4 दिनों में आपके फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। छोड़ना नहीं, बस छोड़े तो वो सारी मेहनत जीरो, जहां आगे तुम रोज रोज पढ़ रहे थे एक एक दो दो दिन के गैप डाल के 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, जब आपने एक जस्ट आई व्यू दे दी, 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि बेटा आगे डिफरेंशियल और एरिया अंडर द कर्व में लगनी ही इंटीग्रेशन है, यानी 3 chapters आर देयर, हम नहीं करेंगे तो बेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर? तो करो फॉर्मूलेज लर्न करो, ठीक है, समझ आ गई बेटा, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। चलो लेट अस डू द नेक्स्ट। हाँ जी, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, 2014 में भी आया, 19 में भी आया, 9 में भी आया, और मेरे पास जो है इससे पीछे इयर्स भी लिखे हुए हैं कि ये ऑल इंडिया वाले पेपर में आया हुआ है। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन विद प्रॉपर्टी मेरे पास। अच्छा, इससे पहले सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूल ही गए हम, हमारी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ना, और ऐसा ही क्वेश्चन कॉज के साथ एग्जाम्पलर बुक में, और वो पेपर में भी आया हुआ, ठीक है। अब जब भी मॉड वाला, अब ध्यान से सुनना कि जब भी मेरे पास जो है मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए, पहला स्टेप होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढना, पहला। और वो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं, हमने देखना है कि ये फंक्शन अपनी नेचर कब चेंज करता है ना, उसके लिए इस फंक्शन को हम क्या करें, इक्वल टू 0 पुट कर, और एक्स की वैल्यू निकालनी है जहां ये अपनी नेचर को चेंज करते हैं। एक, एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बस फंक्शन की नेचर ही देखनी, ठीक है। अब ये साइन पाई एक्स 0 आ गया, अब मुझे यहां बताओ, बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी कि ये ऐसे किया या ऐसे किया, उन्होंने सिंपल ब्रेकेज की, काम खत्म किया। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि क्यों हमने ऐसा किया, हमें पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0, साइन की वैल्यू 0 कहां होती है, एक 0 पे, यानी पाई एक्स इज इक्वल टू 0 और कौन, साइन पाई पे होती है ना, तो आप पाई एक्स इज इक्वल टू पाई और 2 पाई पे यही करते हो ना, तो वो जब 2 पाई करोगे वो आपकी इस वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा लिमिट, हमें देखने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 आ गई, रुक गई बस मैं, और इधर एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक 0 पहले ही था। अब अगर मैं देखती हूं, मैंने मेरे पास -1 to 0 +0 to 1 और 1 to 3 pi/2, बुक में ना वो सीधा एक ही ब्रेकेज दे रहा है, बट कैसे पता चला एक ब्रेकेज करनी है, आप ऐसे ही पूरा करोगे,
कि आपको स्टेप पता हो, क्रिटिकल पॉइंट तो ये सारे ही निकले हैं ना। अब हम देखते हैं ना उसकी नेचर, अब जरा ध्यान से देखना कि मेरे पास अगर आप बुक में देख रहे हो दे जस्ट राइट -1 to 1 में, बट कैसे आया उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। हम इस प्रॉपर वे से चलेंगे। अब अगर मेरे पास -1 to 0 में कोई एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू सोचो, -1/2 सोच ले, ठीक है, मैंने यहां पुट की -1/2, एक्स नेगेटिव हुआ, मैंने यहां पुट की -1/2 साइन नेगेटिव ऑफ एन एंगल, वो क्या होता है माइनस साइन, वो माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये सारी वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगी बेटा पॉजिटिव, काम खत्म, समझ आए। अब अगला 0 to 1, ठीक है, जब मैंने क्या किया 0 to 1, अब 0 to 1 में कोई एक वैल्यू ले लो, 0 to 1, फिर 1/2 ले ले, 1/2 ले ले, मैंने चेक किया 1/2 पुट किया, जब मैंने यहां 1/2 पुट किया पॉजिटिव, मैंने यहां 1/2 पुट किया वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, इसीलिए क्योंकि वो नेचर चेंज नहीं कर रहा, इसीलिए बुक वाले क्या करते हैं -1 to 1 सीधा ले लेते हैं, बट हमें तो बताना पड़ेगा ही ना। इसीलिए आपको याद है मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे आप ब्रेकेज करते हो क्रिटिकल पॉइंट्स पे, पर बेटा वैल्यू पुट करके चेक जरूर करा करो, कई बार वो सेम सेम फंक्शन ही रहता है, वो वैल्यू चेंज नहीं करते। अब आ जाओ 1 to 3/2 में कोई एक वैल्यू, एनी वैल्यू, ये 1.5 हो गया ना, ये 1 हो गया, हम 1.2 ले लें, ठीक है, जब मतलब 1 से ज्यादा ले। अब जब मैंने वैल्यू ली, मैंने 1 से ज्यादा ली, यहां वैल्यू पुट की पॉजिटिव, अब मैं 1 से ज्यादा वैल्यू ले रही हूं, यानी जो एंगल है वो पाई से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। अगर आप पाई को समय, इधर ध्यान से देखो मैं क्या समझा रही हूं, जब मैं पाई को 1 से ज्यादा वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए यहां पर माइनस साइन पाई एक्स डी एक्स आया। बात समझ आई सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को भी समझ आई बेटा मैंने क्या समझाया, ठीक है। तो मेरे पास हो गए, यहां पर बुक वाले कोई रीजन नहीं देते हैं ऐसे क्यों है, ये हमें समझना पड़ता है, why they have put here positive, why we have put here negative, उसके बाद तो by parts लगने। हाँ, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं दोनों को अगले स्टेप में, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमने शो किया जीरो आया, तो अगले स्टेप में मुझे पता है ये दोनों में फंक्शन सेम है ना, तो मैं इसको -1 to 1 करके ऐसे कंबाइन कर सकती, ओके, और इसको अब फंक्शन दोनों में सेम है, आप पता क्या करो, एक बार बाय पार्ट्स लगा के आंसर देख लो क्या आता है, कि दोनों में अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, लगना बाय पार्ट्स है, क्यों बाय पार्ट्स लगना, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में, बाय पार्ट्स का मतलब पता क्या, पता है ना, दो फंक्शन का फर्स्ट सेकेंड, हमने पिछले में भी लगाया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है, समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं बेटा, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऐसे ही कॉज वाला मैं ब्रेकेज करके बता दू कि कॉज में कहां कहां ब्रेक होनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट अस डू, मेरे पास हो गए -1 to 1/2 मॉड एक्स साइन पाई एक्स, कॉज वाला करना था कॉज पाई एक्स, और यहां पर है वो 0 to 3
पाई बाय टू, 3π/2। ओके बेटा, अब क्या करें, मेन तो क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉब्लम है, एक्स कॉस पाई एक्स इक्वल टू जीरो है ना, एक्स इक्वल टू जीरो और कॉस पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही होता है। अब मुझे बताओ कि कॉस का आंसर जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक पाई बाय टू पे, पाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू और 3π/2 पे और 5π/2 पे, ये मैं बता के ही जाती हूँ, ठीक है। ये कट गया, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3/2, आगे बढ़ गया ना, ये तो कट ही जाना, यानी ब्रेकेज कहाँ होनी है, जीरो से तो स्टार्ट ही होना है, यानी ये होगा जीरो, उसके बाद 1/2, आगे 3/2 है, वहां तो खत्म ही होना, बस दो ही ब्रेकेज होने, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव। पता चला कैसे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते। अब आपका होमवर्क है, मैं एग्जांपल एक रह गया और कल जो क्वेश्चन था इनमें से जो मुझे लगेंगे कि कुछ बताने वाले हैं, ठीक है, बाकी सिंपल है, मैं वो खुद आप करोगे, 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने बताने हैं, बाकी आपको ट्राई करना, ट्राई करो कल तक मेरे से पूछ। अब अगला चैप्टर प्लीज साथ साथ करो, ठीक है बेटा, क्लियर, चलो ओके बेटा।